4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन दी हुई है कि √2x² + 7x + 5√2 = 0 है, तो इसको हमें सॉल्व रूट्स फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहती है कि जो फर्स्ट और जो लास्ट होता है इनका मल्टीप्लाई करने में आना चाहिए। तो 5√2 × √2 करूंगा तो क्या होगा, 5√2 √2 × √2 हो जाएगा, तो मतलब 10 मल्टीप्लाई करने में आपका 10 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में 7 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में आपका 7 आना चाहिए। तो गाइस आप देखो कि मल्टीप्लाई करने में 10 और ऐड सब्ट्रैक्ट करने में 7 कब आता है, तो मल्टीप्लाई करने में 10 कब आता है, एक तो 5 × 2 आता है और एक 10 × 1 आता है। तो गाइस ऑब्वियस सी बात है कि 10 + 1 = 11 होता है, 10 - 9 होता है, तो ये तो होने तो यही है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा √2x² + यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 5 + 2, 7 को क्या लिख सकता हूँ 5 + 2x + 5√2 बराबर क्या चल रहा है 0। तो इन अभी आपको हो जाएगा ये √2x² + ये हो जाएगा 5x + 2x + 5√2 = 0। तो पहले दो से कॉमन लेना है और लास्ट दो से दो कॉमन लेना है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा √2x + 5। अब इसमें से कॉमन लेना है तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर √2 लिखा है, चूंकि 2 को मैं √2 × √2 लिख सकता हूँ, तो घुमा फिरा के देखा जाए तो यहाँ पर √2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मैंने √2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, चूंकि 2 में से √2 लिया तो √2 बचेगा और x और प्लस 5 बराबर क्या बचेगा 0। तो ये देखो दोनों, तो क्या हो जाएगा आपका ये √2x + 5 और ये हो जाएगा आपका x + √2 = 0। तो ये जाएगा √2x + 5 = 0 और आपका x + √2 = 0। तो √2x = हो जाएगा आपका -5, तो x = क्या हो जाएगा -5/√2 और यहाँ पर आपका x = क्या हो जाएगा -√2 गाइस। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, समझ गए गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।